Shri Krishna Pada Yugalam Sirasa Namami Yatran Vitasruti Ganona Virodhameti Yadhyana Yoga Niratascheda Pnumanti Kesendra Vande Manisam Manasagirache Yatsampradaya Srayanam Naranam Shri Radhika Krishna Padaravinde Prema Gariyan Sahasabhyudaiti Nimbark Metam Sharanam Prapadde. Samupastit Shri Bhagavat Charanaravinda Makaranda Sevan Parayan Samasta Param Bhavuka Bhakta Mahanubhav Evam Bhaktimati Matai. Mahabharat mein ek bada adbhut charit milta hai. एक विप्र एक ब्राह्मण भगवान भूत भावन आशुतोष चंद्रमौली उनके निकट पहुंचकर और अपनी अभ्यर्थना प्रस्तुत करता है, उनका अभिषेक करता है, बिल्व पत्र समर्पित करता है और ये भावना प्रस्तुत करता है कि मेरे कोई संतति नहीं है, आप कृपा प्रसाद करें जिससे कि मेरे को एक संतति प्राप्त हो जाए। वे भूत भावन चंद्रमौली भगवान शंकर बड़े आशुतोष हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कृपा की, वो कृपा के फल स्वरूप उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। किंतु कुछ ही दिनों के बाद उस पुत्र का ये पांच भौतिक शरीर नहीं रहा। ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो करके और स्मशान की ओर गए और उसको अपने अंक में अपने गोद में बैठा कर रुदन करने लगे। इतने में एक गृद्ध वहां पर उपस्थित हुआ, जो गीद होता है, वो मानवीय भाषा में उसने कहा कि ये ब्राह्मण तुम यहां पर व्यर्थ में ही रुदन कर रहे हो, अपने घर की ओर पलायमान हो जाओ क्योंकि अब इसके प्राण आने वाले नहीं है। ब्राह्मण ने देखा कि एक पक्षी कह रहा है तो चलना चाहिए, प्रस्थान करने लगा। इतने में सियार आया, श्रृगाल ने आकर के कहा, वो भी मानवीय भाषा में अपना भाव प्रकट करता है कि देखो अभी तो सूर्य अस्त नहीं हुए हैं और व्यर्थ में तुम कष्ट का अनुभव करते हो सकता है कोई कृपा कर दे, उसको जीवन मिल जाए।
फिर वो गीध राज आकर के कहता है, क्योंकि गीध को रात्रि में फिर दिखाई नहीं देता, श्रृगाल तो सोचता है कि रात्रि हो जाए तो इसका ग्रास मैं ग्रहण करूं, और गीध सोचता है कि दिन दिन में ही इस ब्राह्मण को समझावे और यहां से प्रस्थान कर दे। ये इनके परस्पर में वार्ताक्रम चल रहा था। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गए, संध्या का समय हो गया। संध्या काल में भगवान भूत भावन पार्वती जी सहित विचरण करते हैं, और उसी वहां विचरण करते हुए उसी स्थल पर पहुंचे जहां के ब्राह्मण रुदन कर रहा है। मातृ हृदय बड़ा कोमल होता है, तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, ये कोई व्यक्ति दुखी है और रुदन कर रहा है, आप इस पर अनुग्रह करें। भगवान शिव संकेत करते हैं पार्वती, कि ये तो संसार है, कोई जन्म लेते हैं, कोई अवसान को प्राप्त होते हैं, ये तो संस्कृति संक्रमण है, संचंक्रमण है, इतावता इस ओर ध्यान मत दो, आगे चलो। परंतु पार्वती जी ने कहा है, नहीं नाथ, वहां चल करके देखो, ये बहुत ही करुणापूर्ण हृदय से रुदन कर रहा है। पार्वती जी के कथनानुसार भगवान शिव पहुंचे, वहीं पर श्रृगाल और गृद्ध दोनों वहां पर उपस्थित भी थे। भगवान शंकर बड़े कृपा के धाम हैं, उन्होंने उसके मस्तक कर स्पर्श किया मृत बालक पर, और तत्काल उसको जीवन दान प्राप्त हो गया, और ब्राह्मण अत्यंत पुलकित होकर के, प्रसन्न होकर के वहां से अपने गृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान शंकर निश्चय ही परम कृपा के धाम है। अभी जो आप कथा श्रवण कर रहे थे भगवान शंकर के संबंध में भी, और करने वाले भी बड़े सुंदर हैं, उनका नाम ही बटुक है। हमारे यहाँ बतलाया है कि बटु रसौ पटुः, बटुक जो होते हैं बड़े कुशल होते हैं, ये नाम ही इतना सुंदर है। वर्णे न गौर है, जटाभिर ब्रह्मचारी, वैसा 16 वर्ष देसी है, कंबु कंठ है, आयत ललाट है, सुबाहुर विशाल लोचनश्चासीत। तो ये महिमा है। और फिर एक विलक्षण बात है कि मोदानी परिवार के द्वारा ये सारा आयोजन हो रहा है, और मोद का अर्थ होता है आनंद। मोद कहते हैं, प्रमोद कहते हैं आनंद को, और ऐसे मोदानी परिवार अपने स्वर्गीय पिताश्री के भावना के संकल्पानुसार ये विराट आयोजन किया। और श्रावण का ये परम पवित्र मास, भगवान युगल किशोर राधा माधव जब झूला में विराज करके वृंदारण्य की पावन धरा पर दिव्य कुंज निकुंजों के मध्य में, और सहचरी गण
उनको झुला रही हैं और इतनी अनुपम शोभा है, मंद मंद वर्षा हो रही है। हमारे आचार्य प्रवर श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कामना की है कि भीजत कब देखूं इन नैना, श्यामा जूकी सुरंग चूनरी मोहन को उपरैना, युगल किशोर कुंज तर ठाड़े जतन कियो कछु मैना, उमड़ी घटा चहू दिस श्री भट जुरी आई जल सेना। और ये भावना की और भीजत कुंजन ते दो आवत, दोनों युगल प्रिया प्रीतम सहचरी गणों से परिवेष्टित होकर के पधार करके और झूला झूल रहे हैं। तो ऐसा ये श्रावण मास और ऐसी इसी श्रावण मास में भगवान श्री शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम चल रहा है सर्वत्र भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में प्रत्येक प्रांतों में, और ये किशनगढ़ की परम रमणीय अवनी और यहाँ पर मोदानी परिवार के द्वारा इतना विराट स्वरूप भगवान शिव के दर्शन हो रहे हैं, ये तो उनकी निश्चित ही कृपा है और कृपा प्रसाद के फल स्वरूप ही ये यहाँ का महनीय आनंद आज हम प्रत्यक्ष दर्शन से अत्यंत आह्लादित हैं। हमारे सीमित शब्दकोश में कोई भी शब्द राशि नहीं है जो अपने भावों को हम प्रकट कर सकें। इन्हीं वचनों के साथ हम अपने भावों को विराम देते हैं।